हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग आए हैं मूवी देखने के लिए। तो हम लोग दीदी कुम्मू, मम्मी, मेरे पापा एंड मेरे यहाँ वाले पापा जो ससुर जी है एंड नंदन, वो टिकट ले रहे हैं उधर से। वाइट कलर के शॉर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट। तो हम लोग कौन सा मूवी जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, शायद डंकी या फिर सैलर ऐसा कुछ। तो कल का जो भी मतलब मेरा बर्थडे था बहुत अच्छा गया गाइस, ट्रस्ट मी। सब कुछ मतलब नंदन ने किया हुआ था प्लानिंग एंड ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पीछे वाले क्लिप में आप देख लीजिएगा। सो चलो मैं मूवी का भी रिव्यू करूँ। तभी हम लोग आए थे बर्गर किंग एंड कुम्मू के लिए लेने आएंगे थे नगेट्स एंड ऑल, तो बोले कि बस ऊपर जाएंगे और साइड बाई साइड मूवी का टिकट भी हो रहा है। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हो चुका है गाइस एंड मेरे पापा को चाहिए था ब्लैंकेट और हमारे घर के लिए भी, तो वही हम लोग चूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे का सुबह भी हो चुका है एंड पापा मेरे जा रहे हैं वापस संबलपुर। सो गाइस, पापा आए हुए थे मेरे बर्थडे के लिए स्पेशली एंड अभी गए हो। अभी बज रहा है सुबह के 5, वो जा रहे हैं संबलपुर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोपहर हो चुकी है एंड आज का मौसम थोड़ा सा कुछ मतलब क्या ठंड वाला मौसम है यहाँ पे। पापा तो पहुँच भी गए हैं संबलपुर एंड दोपहर हो चुके हैं गाइस एंड हम लोग थोड़ा सा निकले हुए हैं एक एनिवर्सरी पार्टी की, मेरी चाची के यहाँ ही एंड बस हम लोग निकल ही रहे हैं। मैं गिफ्ट विफ्ट यहाँ पे मतलब क्या अपलोड क्या बोल रही हूँ मैं, गिफ्ट विफ्ट सब रखवा रही थी गाड़ी में। सो यस, लेट्स गो। हेलो, हाय, हम लोग एनिवर्सरी पार्टी से आ चुके हैं एंड मैं अभी पालक पनीर बना रही हूँ, रात की सब्जी जो भी बनेंगी रोटी के साथ खाने के लिए। एंड मैं एक्चुअली आने के बाद ना थोड़ा सा थकी थकी लग रही थी तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो मैं अभी पालक पनीर बना रही हूँ, देखो कैसे क्या बनता है। गाइस, मैंने यहाँ पे पालक को अच्छे से धो दिया था एंड इसको उबला हुआ पानी में मैंने डाल दिया है एंड इसको इसे थोड़ा सा पलटा दूँगी। बस हमको गर्म पानी में 2 मिनट तक इसको पकाना है, ज़्यादा पकाने से क्या होता है इसका कलर चला जाता है। सो यस, मैं इसको भी ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि इसका कलर बरकरार रहे। पालक पनीर तो नहीं है, ये है प्रॉन, मैंने अभी बनाया है चिली प्रॉन, देखो। The next day. नेक्स्ट डे हो चुका है, शाम हो चुकी है एंड अभी हम लोग का डिसाइड हुआ कि हम लोग जा रहे हैं गांव। सो चलो मैं जाती हूँ रेडी होने, क्योंकि गांव जाना है एंड और एक बात है कि गांव का थोड़ा सा आज माहौल बनने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी आप लोगों के शेयर कर लूँ। सो यस, मैं रेडी होके आप लोग से मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, बाकी सारे भी रेडी हो गए हैं, गाँव जा रहे हैं इसलिए मैं साड़ी पहन के हुई हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे पहन के जाने के लिए। सो यस, चलो चलते हैं दूरी करने के लिए। एक गाड़ी हमारा ये जा रहा है गाइस काला एंड एक वो तो कौन गाड़ी चलेबो, एक गाड़ी चलेबो कि कहलो बस ला ड्राइवर सीट रे बस पड़छु म सो गाइस, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम ट्रैफिक में स्टक हो गए थे।
आप लोग देख सकते हो। एंड जब हम गांव जाते हैं ना 45 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग को बहुत टाइम लगा था, करीबन 2 आवर के आसपास लगा था, 2-3 आवर आसपास, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक में ही हम लोग 1.30 मिनट मतलब स्टॉक हो गए थे। सो इतना देख सकते हो आप लोग कितना ट्रैफिक था, है ना। पहुंच गए हैं गांव एंड कुमु हाय कर दे। हाय यहाँ पे तंदूर होने के लिए रेडी किया जा रहा है गाइस। यहाँ पे हैं ये मिस्त्री या क्या, हलवाई, कुछ भी बोल सकते हो। और ये हैं हेल्पर। आवाज़ से आ गया। अरे कौन हो? कोई ला गया। ये तो बहुत ठंडा लागो नहीं कि ये तो फुल पिंचो। एडा भी आने भी आने भी आओ क्या आने भी और मो আমি কাম করছিল হাও হাও মু যাচ্ছিলাম নু কাম করছিল কৌছিল এ গেস করছিল না ব্যাগ জিনিস কিনতে কইলা হবে না পার্স রে এটা দিকে হাইট হইতলে কম কপনটা পাস করো কুমু ব্যাগ রে তো কি यहां पे ম্যারিনেট করে हैं মাশরুম এন্ড পনির वाओ इसको ले जाओ यार और दो चार करके देना दोगे तू एक काम कर टमाटर काट के दे वो कम हो गया टमाटर द लाल लाल टुई इतना मैंने की चाय था मुझे आओ चीनी दे दे खाओ 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 जूसी बढ़िया पूरी छ हम नी आइटा आइटा हम तो खाते पेची खाओ छ तो ना इससे तर खाओ छ हां आपको दो जी 30। सो गाइस साइड बाय साइड यहां पे चिकन भी बन रहा था क्योंकि हम लोग को डिनर भी करना था। सो यस यहां पे मैं बना रही थी चिकन एंड उधर बन रहा था हम लोग का जो तंदूर वगैरह हो गया चिकन एंड ऑल। यहां पे सब कुछ रेडी किया जा रहा है। तो गाइस चिकन बहुत टेस्टी बना है, मैं खा रही हूँ और ये लोग बना रहे हैं। बिना चिंते रखते ले। अच्छा वो डस्टबिन पूरा स्टाइल बस पड़ जाए। हाय ये क्या है मशरूम और पनीर है ना, ये वेज लोगों के लिए है। और हम नॉन वेज लोग क्या फिर बाद में निया रे सुसू। नंदन लोग उधर बना रहे हैं चिकन मशरूम पनीर वो स्टिक तंदूर वाला एंड मैं इधर चिकन विकन थोड़ा सा मतलब बनाने में हेल्प कर रही थी। पानी छोड़ रहा है ऑलमोस्ट चिकन भी हो जाएगा और आधे नहीं 15 मिनट के अंदर। सो यस 12:15 हो रहा है और हमको तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रस्ट मी। लुटो क्या कर रहा है तू। हाँ तक भी खत्म हुआ, अभी हो गया चिकन का चल रहा है गाइस। अरे को गड़िया जे गड़िया उठो अब नहीं हम ना
क्या बोल रही है? सिलिकन लोग क्यों नहीं जलते? सिलिकन लोग सिलिकन नहीं जल रहा, सिलिकन का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है प्लास्टिक से, तो मेल्ट करने में टाइम लगता है। ओके, लुकिंग ऑसम। बजने वाला है गाइस, एंड हमारा खाना वाला सब कुछ खत्म हुआ, एंड कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट। The next day. सो गाइज, गाँव वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो आप लोग को पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बार बार मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर भी बोल देती हूँ कि आप नहीं करते लाइक एंड कमेंट भी बहुत जन नहीं कर रहे हो, और बहुत रिक्वेस्ट आया था कि गाँव वाला ब्लॉग, तो मैं फाइनली गाँव गई। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। वैसे तो मेरा मूड नहीं था गाँव में ब्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा चाहती हूँ कि कभी कभी ब्लॉग बिना ब्लॉग बनाए ऐसे थोड़ा इन्जॉय करूँ, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैं गाँव वाला ब्लॉग बनाई। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, एंड मेरी यहाँ पे आँख में ना कुछ एलर्जी हो गए हैं, तो ये वाला आँख देख सकते हो रेड हो गया है। सो यस, कैसा लगा ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। बाय बाय, गुड नाइट।